हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी लाइफ में से थोड़ा टाइम हमारी वीडियो के लिए निकाला। सो आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज टॉप 10 में काउंट होने वाली हॉरर लव स्टोरी होटल डेलूना को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमारी पिछली वेब सीरीज टेल ऑफ नाइन टेल को तो आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा, तो आपको पता ही होगा कि कोरियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया में आफ्टर लाइफ ऑफिस होता है, जहाँ से सभी आत्माओं को आफ्टर लाइफ की दुनिया में भेजा जाता है, जहाँ इस सीरीज में आफ्टर लाइफ ऑफिस होटल डेलूना के रूप में मौजूद होगा। फिर यही इन सबके बीच हम होटल के ओनर और होटल के मैनेजर की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। सीरीज की शुरुआत होती है काफी सदियों पहले से, जहाँ हमें एक लड़की मैनवुल को उसके बग्गी के साथ में किसी सफर पे जाते हुए दिखाया जाता है। मैनवुल के पहनावे से हम समझ पाते हैं कि वो एक योद्धा है। फिर चलते चलते मैनवुल को रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ वो खाना खा रही थी। वहाँ पहले तो मैनवुल रेस्टोरेंट की ओनर से बदतमीजी से बात करती है। फिर जब उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट की ओनर आत्माओं को देख सकती है, फिर वो उसे गेस्ट ऑफ मून होटल का पता पूछती है, क्योंकि दोस्तों मैनहोल ने बहुत से लोगों की जान ली थी, लेकिन गेस्ट ऑफ मून होटल में सिर्फ मरे हुए लोग ही जा सकते थे। मैनहोल वहां जाने के लिए मरने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उस पर फिर कुछ सैनिक हमला करते हैं और वो मैनहोल के पास आते ही धुएं में बदलकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैनहोल तो ऑलरेडी गेस्ट ऑफ मून होटल में पहुँच गई थी। मैनहोल को वहाँ पे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जहाँ वो बिना देखे ही पीछे तलवार से हमला करती है, जहाँ पर एक पेड़ था और वो पेड़ मैनहोल की तलवार को अपने अंदर समेट लेता है। मैनहोल को वहाँ पर समझ में आ गया था कि वो गेस्ट ऑफ मून होटल में पहुँच गई है। फिर वही हम उस रेस्टोरेंट की ऑनर को देखते हैं, जो कि एक भगवान होने के साथ साथ गेस्ट ऑफ मून होटल की CEO भी थी। वो वहाँ से अपना होटल मैनहोल के हवाले कर चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और साल 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा चैन अपने पिता के साथ में एक नदी के किनारे बने पार्क में बैठा हुआ था। चैन का आज बर्थडे था और उसे पता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे कोई गिफ्ट दिलवा सके, लेकिन तभी उन्हें रोड पर पड़ा हुआ कुछ पैसा मिलता है, जिसे उठाकर चैन उस नोट को उसके मालिक को लौटा देता है। ये सब कुछ देख कर चैन के पास एक फूल बेचने वाली लेडी आती है, लेकिन चैन के पिता उस लेडी को वहाँ से भगा देते हैं। वहीं उसी नदी के पास में मीडिया वालों को हम देखते हैं, जिन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो लड़की की आत्मा भी वहीं पर खड़ी हुई थी। फिर आगे हम मैनहोल को उसके होटल में देखते हैं, मतलब कि वो सदियों से इस होटल को चला रही थी। मैनहोल अपने मैनेजर यानी नो से होटल को खोलने के लिए कहती है, क्योंकि फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन उन्हें होटल में काफी ज्यादा कस्टमर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर का मतलब आत्माओं से है। होटल रहस्यमयी तरीके से खुलता है और एक काफी प्रीमियम होटल में बदल जाता है, और वही हम देख पाते हैं कि अब गेस्ट ऑफ मून होटल का नाम चेंज करके होटल डेलूना हो गया है। फिर उसी रात को हम चैन के पिता को कुछ चुरा कर वहाँ से भागते हुए देखते हैं। भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिससे कि उनके सिर पे चोट आ जाती है, लेकिन वो तुरंत खड़ा होकर चुराए हुए पैसे को उठाकर भागने लग जाता है और होटल डेलूना के पास आ जाता है, जहाँ गाइस उसको ये रियलाइज होता है कि इस जगह पर उन्होंने ये होटल पहले कभी नहीं देखा था। फिर तभी उनके सामने से अचानक से उसी लेडी की आत्मा होटल के अंदर आ जाती है, जिसकी मौत नदी में डूबने से हुई थी। वहाँ उस लेडी की मौत 10 दिन पहले हुई थी, जहाँ होटल का स्टाफ उस लेडी की आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर चैन का पिता उस होटल में घुसकर इधर उधर घूमने लग जाता है, और वहीं हम देख पाते हैं कि चैन के पिता की बॉडी उन्हीं सीढ़ियों के पास में है जहाँ से वो स्लिप हुए थे। लेकिन तभी चैन के पिता को मैनेजर नौ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत वहाँ से होटल की दूसरी ओर भागने लग जाते हैं। मैनेजर नो चैन के पिता को देखते ही पहचान गए थे कि वो अभी पूरी तरह से नहीं मरे हैं, और इसलिए उनकी आत्मा को इस होटल में नहीं होना चाहिए। वहीं चैन के पिता को होटल के हर रूम में बहुत ही अजीब करीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे होटल के किसी रूम में एक बड़ा सा बेंच था, दूसरे रूम में सिर्फ एक टेरेस था। वो घूमते घूमते उसी पेड़ के पास पहुँचते हैं जिसमें मैनहोल की तलवार समा गई थी। वैसे तो वो पूरा पेड़ सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन चैन के पिता को उस पर फूल दिखाई दे रहे थे, जिसे कि वो अपने बेटे यानी कि चैन के लिए तोड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैनहोल आकर चैन के पिता को पकड़कर उन्हें पूरी तरीके से मारने ही वाली थी, क्योंकि चैन के पिता ने उनके होटल से एक सोप चुराया था। लेकिन फिर वो मैनहोल को ये बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सिर्फ इस पेड़ से एक फूल ही तोड़ा है, जहाँ मैनहोल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पेड़ तो सदियों से सूखा पड़ा था। इसलिए मैनहोल चैन के पिता को बता दी है कि वो मरने ही वाला है,
लेकिन वो उसे बचा सकती है। उसके लिए उसे अपने बेटे को यानी चेन को 20 साल के बाद मैनुअल को सौंपना होगा। चेन के पिता पहले तो इस डील के लिए रेडी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो हाँ कर ही देते हैं। वो ये सोच रहे थे कि उनका बेटा अभी तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और अगर वो अभी मर गए तो उसका ध्यान कौन रखेगा और वो कैसे बड़ा होगा। सो इसलिए चेन के पिता मैनुअल की डील को मानकर 20 साल के बाद अपना बेटा उसे सौंपने का वादा भी कर देते हैं। फिर अचानक से उनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उनके सामने उनका बेटा रो रहा था। जहां वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ कुछ देर पहले क्या हुआ था, वो सब कुछ एक सपना था या फिर सच था। फिर नेक्स्ट डे जब वो चेन के साथ में हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, तो उन्हें उसी लेडी का फ्यूनरल होते हुए दिखाई देता है, जो कि पिछली रात उन्हें होटल डलूना में मिली थी। वही हम होटल में उस लेडी की आत्मा को मैनुअल के पास देखते हैं, जो कि उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है कि वो एक जासूस थी, लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो उसे मरवा दिया गया था। लेकिन यहाँ उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो उस आदमी को सजा दिलवाना चाहती है जिसके पीछे वो पड़ी थी, यानी कि जो गुनहगार था। फिर मैनुअल उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बदले में उससे पैसे मांगती है, जहाँ वो स्पाई लेडी अपने सिर में लगा हुआ बुलेट मैनुअल को दे देती है, जिसके बाद मैनुअल एक अवार्ड सेरेमनी में जाकर पार्क नाम के बिजनेसमैन को गोली मार देती है। मैनुअल को तो सिर्फ पार्क ही देख पा रहा था। फिर जहाँ इस डर के मारे उसने पूरी मीडिया के सामने कबूल कर लिया था कि उसी ने उस स्पाई लेडी को मरवाया था, यानी कि वो ही उसका कातिल था। वापस से होटल आने पर मैनुअल को 9 बहुत सारे डायमंड्स देता है, जो कि उसे उस स्पाई लेडी के बताए हुए पते पे मिले थे। मैनुअल इतने सारे डायमंड्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन 9 उससे सारे डायमंड्स को ले लेता है, क्योंकि उन्हें होटल का लोन चुकाना था और साथ ही में उन्हें बहुत सारे पैसे चेन के पिता के अकाउंट में भी भेजने थे, ताकि वो चेन की पढ़ाई को अच्छे से स्कूल में करवा सके। फिर चेन के फादर को भी पता चलता है कि उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे क्रेडिट हुए हैं, जब वो समझ जाते हैं कि होटल वालों ने ही उन्हें ये पैसे दिए होंगे। फिर वो उस होटल को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जान के बदले इतने सारे पैसे नहीं चाहिए थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब चेन के पास उसके फादर नहीं थे, तो मैनुअल चेन के पास आकर उसे स्माइल देते हुए उसे अपनी कार में लेकर निकल जाती है। फिर समय बीतता है और 20 साल आगे दिखाया जाता है, यानी 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेन की फादर की मृत हो चुकी थी और चेन भी अब काफी बड़ा हो गया था। चेन को उसके पिता ने अमेरिका में पढ़ाया था और उसे वहीं रहने के लिए कहा था, लेकिन चेन वापस अपने देश आकर एक होटल में एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लेता है। अभी तक तो चेन को अपने पिता की बातें बकवास ही लग रही थी, लेकिन उसके हर पर्दे पर उसे कोई ना कोई फूल भेजता था, बट इस पर्दे पर फूलों की जगह उसे एक लेटर मिलता है। लेटर होटल डलूना की तरफ से आया था, जिसमें चेन को कल से काम पर आने के लिए बोला गया था, और ये देखकर चेन को उसके अपने पिता की बातें याद आने लग जाती और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर चेन सोचते सोचते मेट्रो स्टेशन में आता है और उस फूल को डस्टबिन में फेंक कर होटल डलूना ना जाने का फैसला करता है। जिस ट्रेन में वो चढ़ा हुआ था उसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। दोस्तों मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली के मेट्रो में ही इतनी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ भी बहुत भीड़ थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके चेन ट्रेन के नेक्स्ट डिब्बे में आ जाता है, जहाँ पर उसे सिर्फ मैनुअल ही मिलती है। मैनुअल को देखकर वो समझ जाता है कि वो जो मैनुअल को देखकर वो ये समझ गया था कि वो होटल डलूना की तरफ से आई है, क्योंकि उसके हाथ में वही फूल थे जिसे थोड़ी देर पहले ही उसने डस्टबिन में फेंका था। दोस्तों यहाँ हम समझ गए थे कि मैनुअल उसे गिफ्ट में फूल इसलिए भेजती थी क्योंकि चेन को बचपन में फूल बहुत पसंद थे। जहाँ चेन होटल ज्वाइन करने से इनकार कर देता है, तो मैनुअल उसके पास आकर उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए उसे बर्थडे विश करती है। लेकिन नेक्स्ट स्टॉप पर ही चेन उतर कर अपने घर दौड़ कर जाता है, अपना सारा सामान पैक करके देश से भागने की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि मरने से पहले उसके डैड ने भी उसको यहाँ से भागने के लिए ही बोला था। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। दरअसल दोस्तों मैनुअल ने चेन को इस बर्थडे पर उसकी आत्माओं को देखने का गिफ्ट जो दिया था, लेकिन इस बात से अनजान चेन टैक्सी स्टैंड पर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक मरी हुई लड़की की आत्मा से होती है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ होटल में नो मैनुअल को समझा रहा था कि चेन ने अगर किसी भयानक से दिखने वाली आत्मा को देख लिया तो वो तो बेचारा हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। लेकिन यहाँ चेन उस लड़की की आत्मा से लड़ पड़ता है, क्योंकि वो लड़की उसे आगे जो खड़ी थी, जबकि टैक्सी के लिए पहले वो आया था। चेन उस लड़की को अंधी बोलता है। वो लड़की अपना चश्मा उतार कर चेन को अपनी आंखें दिखाती है, क्योंकि उस आत्मा के पास उसकी आंखें ही नहीं थी। ये सब कुछ देखकर तो चेन अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ वो ब्लाइंड लेडी की आत्मा चेन के पीछे ही पड़ जाती है।
ये सब कुछ मैनुअल भी देख रही थी और जब चेन छुपा हुआ था तो वो उसे डराकर ब्लाइंड आत्मा के पास भेज देती है, जहाँ चेन डर के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग गया था कि तभी मैनुअल उसका मुंह बंद करके एक पत्थर को दूर फेंक देती है, जहाँ उस पत्थर की आवाज सुनकर वो ब्लाइंड लेडी की आत्मा वहाँ पर चली जाती है, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर वो चेन को बताती है कि उसने उसे उसके बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है कि वो आत्माओं को देख सकता है, यानी कि उसने वो पावर उसे दे दी है। लेकिन चैन को आत्माओं से बहुत ज्यादा डर लगता था, सो इसलिए वो मैनुअल से उसकी आंखों को नॉर्मल करने की रिक्वेस्ट करने लग जाता है। मैनुअल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए मोमोज खाते हुए चैन को समझा रही थी, जहाँ वो कह रही थी कि वो उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सकती है, तो इसलिए उसे होटल ज्वाइन करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ होटल के बाहर हम बिजनेसमैन पार्क को देखते हैं, जो कि अपनी सजा खत्म करने के बाद एक भिखारी बन गया था। वो मैनुअल को देखकर पहचान लेता है कि सालों पहले उसी ने उसे गोली मारी थी। दोनों रेस्टोरेंट में एक बच्चे की आत्मा को देखते हैं, जो कि मजे से मोमोज खा रहा था। मैनुअल चेन को समझाती है कि सभी आत्माएं डरावनी नहीं होती हैं, जहां उनमें से कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि वो मर चुके हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद मैनुअल चेन से अपने लिए चाय मंगवाती है। फिर चेन के जाते ही पाक मैनुअल के दिल में एक रॉड घुसेड़ देता है और चेन को देखकर वहां से भाग जाता है, जहां मैनुअल चेन को भाग जाने का मौका भी देती है, क्योंकि वहां पर उसे अपने पास्ट की झलक जो आ रही थी, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। चेन वहां से भाग गया था, लेकिन वो वापस से मैनुअल के पास एक गाड़ी लेकर आता है, तो उसे पता चलता है कि मैनुअल नहीं मर सकती है, जहां मैनुअल अपने चेस्ट से उस रॉड को निकालकर रॉड से पार्क की जान ले लेती है। चेन वहां से जाने लग गया था, लेकिन उसके हेल्पिंग नेचर को देखकर मैनुअल उसे जाने नहीं देती है। दोनों एक शूज के शोरूम में आते हैं, क्योंकि मैनुअल ने चेन के शूज को फिकवा जो दिया था। फिर मैनुअल चेन को एक जूता गिफ्ट करती है, जो कि चेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे वो लेना ही पड़ जाता है। फिर वो चेन को बताती है कि उसका काम आखिरकार होटल में क्या होगा, जहां वो कहती है कि होटल में चेन को आत्माओं की काउंसलिंग करनी होगी और अगर उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी तो वो उनकी इच्छा पूरी करवाएंगे। मैनुअल चेन को ये समझाते हैं कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए मौत के फरिश्ते आते हैं, जो कि उन्हें शैडो रिवर क्रॉस करवाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। लेकिन जो आत्माएं भटक जाती हैं, उन्हीं के लिए होटल डलूना है, जो कि इन भटकी हुई आत्माओं को पनाह देकर उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजता है। मैनुअल चेन को कल होटल में आने के लिए बोलकर वहां से जाने लग जाती है, लेकिन स्टिल चेन होटल में आने के लिए मना कर रहा था कि तभी उसके पास ब्लाइंड लेडी की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर चेन कुछ भी नहीं बोलता है, यानी कि वो डर जो गया था। फिर मैनुअल वापस से होटल में पूरे सूखे हुए पेड़ के पास जाती है, तो हमें ये पता चलता है गाइस कि मैनुअल और वो पेड़ दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसलिए दोनों का समय भी रुका हुआ है। फिर मैनुअल होटल के बाहर आती है तो उसे एक टाइगर की आत्मा दिखती है, जो कि होटल में ना आकर शहर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात में वो ब्लाइंड लेडी की आत्मा चेन के घर में थी और इसलिए चेन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और बहुत ही परेशान होकर वो नेक्स्ट डे होटल डलूना पहुंच जाता है, जहाँ होटल में चैन नो से मिलता है और उसे पता चलता है कि नो उसी की तरह एक इंसान है, जो कि 30 साल से इस होटल के लिए काम कर रहा है और चैन के आ जाने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन तभी चैन से मिलने के लिए मैनुअल आ जाती है और वो उसको बताती है कि उसे होटल का मैनेजर एक इंसान इसलिए चाहिए ताकि वो टैक्सेस पे कर सके, साथ ही आत्माओं के लिए बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त कर सके। लेकिन चेन को तो आत्माओं से बहुत डर लगता था और इसी वजह से वो होटल में काम ना करने के लिए बोलता है और मैनुअल को कुछ पैसे लौटा देता है, जब उसे वादा करके वहाँ से जाने लग जाता है कि वो बाकी के पैसे भी जल्दी लौटा देगा। मैनुअल ने चेन के पैसे तो रख लिए थे, लेकिन लिफ्ट में जाने के बाद चेन को एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है, मतलब कि अभी भी उसे आत्माओं का दिखना बंद नहीं हुआ था। दोस्तों मैनुअल के अनुसार ये आत्मा को देखने की पावर चेन के अंदर अब हमेशा के लिए ही रह गई है, जहाँ चेन मैनुअल के पीछे पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि मैनुअल होटल से बाहर उस टाइगर की आत्मा को पकड़ने के लिए जा रही थी। फिर मैनुअल चेन को पार्किंग में अपने कार्स की कलेक्शन दिखाती है, जिसमें एक से बढ़कर एक लग्जरी कार वहां पर थी। क्या बात है, भूतों की बिगाड़ियां होती है। फिर वही उन्हीं में से एक स्पोर्ट कार की चाबी वो चेन को पकड़ा कर उसे म्यूजियम में चलने के लिए बोलती है, जहाँ मैनुअल की अमीरी को देखने के बावजूद भी चेन होटल में काम करने से मना ही कर रहा था। फिर दोनों म्यूजियम में आकर उस टाइगर के स्टैचू को देख रहे थे, क्योंकि वो टाइगर अपनी नस्ल का आखिरी टाइगर जो था, जो कि कोरिया के एक बिजनेसमैन के पास था। फिर टाइगर नेचर से दूर हो गया था और इसलिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे कि उसकी जान चली गई थी।
यहाँ चेन इस ब्लाइंड लेडी की आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैनुअल उसे वो ब्लाइंड लेडी की आत्मा को होटल लाने के लिए बोलती है, जिसके पास से वो आत्मा उसको पीछा छोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ नॉक ग्रिम रीपर से इनडायरेक्टली पता चलता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। यहाँ ये दोनों अभी भी कैफे में बैठे हुए थे जहाँ मैनुअल खाना खा रही थी। ओहो यार, ये लड़का कितना खाना खाती है, मैं तो इतना खाना नहीं खाती। वेल, तो फिर मैनुअल माहौल को ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है और चैन को चैलेंज करती है, जहाँ वो कहती है कि अगर वो उसके लिए चाय ला देगा और बिना चाय की एक बूंद गिराए तो वो उसे कभी भी होटल ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलेगी। लेकिन जब चैन चाय लेकर मैनुअल के पास आ ही रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत ही डरावनी आत्मा दिख जाती है, जिसे बचते हुए चैन बिना चाय की एक बूंद गिराए हुए मैनुअल के पास पहुंच जाता है। मैनुअल कैफे से निकलकर सीधा अपने होटल आ जाती है, जहां सभी स्टाफ नॉ को उसकी रिटायरमेंट की बधाई दे रहे थे। जहां मैनुअल नॉ को चैन के बदले किसी और को ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि चैन आत्माओं से बहुत ज्यादा डरता था। यही मैनुअल नॉ को उसकी ड्यूटी से आजाद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे हम चैन को उसी होटल में देखते हैं जहाँ पर शुरू में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, और उसे होटल के रूम में उस टाइगर के रिलेटेड एक कार्ड मिलता है जिसकी आत्मा को मैनुअल ढूंढ रही थी। जहाँ चैन का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था और उसे लिफ्ट में एक खतरनाक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। फिर जब चैन की सुपरवाइजर उसे गेस्ट को उनके रूम में ले जाने के लिए बुलाती है कि तभी वहाँ पर ब्लाइंड लेडी की आत्मा पहुँच जाती है, जिसे देखकर चैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो कुछ बोलता तो उस ब्लाइंड लेडी की आत्मा उसके पीछे ही पड़ जाती। फिर वहाँ उसके पास मैनुअल भी आ गई थी और वो चैन का मजाक उड़ा रही होती है। जहाँ पे उसे टाइगर वाला कार्ड दिखता है तो दोनों इस होटल के मालिक यानी कि वैंग से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, क्योंकि वो टाइगर वैंग का ही था। वैंग चैन को देखकर काफी खुश था कि जब से वो बीमार हुआ है उससे कोई मिलने ही नहीं आया था और अभी वो उससे मिलने आया है। और दोस्तों, वो इसलिए बीमार हो गया था क्योंकि उसने अपने सपने में हर रोज टाइगर को देखा था जो कि मर गया है। मैनुअल वैंग के कमरे में एक महंगी पेंटिंग के पास आ जाती है, जहाँ वो पेंटिंग उस जंगल की थी जहाँ से वो टाइगर आया था। फिर खाने पर मैनुअल चैन को वैंग के पास ले जाकर उसे डील करने के लिए बोलती है, जहाँ वो कहती है कि अगर वो उसे जंगल वाली पेंटिंग दे देगा तो टाइगर उसके सपने में आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे चैन समझ गया था कि मैनुअल ने लोगों के डर का फायदा उठाकर ही इतना सारा पैसा कमाया है। जब वो मैनुअल को भला बुरा बोलकर वहां से चला जाता है। फिर जब चैन गुस्से में अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में ब्लाइंड लेडी की आत्मा फिर से मिल जाती है, तो चैन उसे भी गुस्से में डांट देता है, जिससे कि वो ब्लाइंड लेडी की आत्मा ही डर जाती है। So funny. फिर वही उसे नो मिलता है, जिसके साथ चैन अपने घर आ जाता है और घर के बाहर ही नो चैन को ये बताने लगता है कि होटल ज्वाइन करना उनका खुद का फैसला था, जिस पर उन्हें आज तक कभी अफसोस नहीं हुआ है, क्योंकि आफ्टर लाइफ की दुनिया को जानना हर इंसान की बस की बात नहीं होती है। फिर चैन को ये महसूस होता है कि वो नो से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से बात कर रहा है। फिर हम नो की आत्मा को होटल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो मैनुअल को अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि उनके लिए वही उनका परिवार है, जिसके बाद नो स्वर्ग में चले जाते हैं। नो की बातों का असर चैन पर बहुत ही तगड़ा वाला हो गया था, और इसलिए वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वैंग के पास आ जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग मैनुअल लेकर चली गई है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल उस टाइगर की आत्मा को उसके जंगल में भेज देती है। फिर वही रात में घर आते समय चैन को ब्लाइंड लेडी की आत्मा मिलती है, जिसे कि वो होटल डेलुना में छोड़ देता है, और होटल में आते ही उस ब्लाइंड लेडी की आत्मा की आंखें लौट आती हैं। ये काम करके चैन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल गई थी, लेकिन उसके पीछे म्यूजियम की एक बहुत ही बुरी आत्मा पड़ चुकी थी। फिर जहाँ वो बुरी आत्मा चैन की जान लेती, उससे पहले ही मैनुअल वहाँ आकर उस बुरी आत्मा को खत्म कर देती है। ये सब कुछ देखकर डर के मारे चैन तो बेहोश ही हो गया था, और उसे होश होटल डेलुना में आता है, जहाँ का स्टाफ उसे होटल के हॉल में लेकर आता है, तो चैन को काफी सारी आत्माएं दिखाई देने लग जाती हैं। जहाँ इतने बड़े इंसिडेंट के बाद वो इस होटल का मैनेजर बनने के लिए पूरी शिद्दत के साथ तैयार हो जाता है, और वहीं चैन और मैनुअल दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। और गाइस, यही हमारी सीरीज की पहली वीडियो का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, तो क्या आपको भी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।